Assalamualaikum, good morning everyone. और आज है मेरा आखिरी दिन नैरोबी सिटी में और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा नैरोबी सिटी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे कि इसका नेशनल म्यूज़ियम और इंशाल्लाह मैं जाऊंगा एक यहाँ की बड़ी मॉस्क है जामिया मस्जिद, उसको भी एक्सप्लोर करना है मुझे, देखना है कि यहाँ पर मस्जिदें कैसी होती है और अगर टाइम मिला तो जिराफ सेंटर भी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही रियल और बहुत चीज़ें बताऊँगा आपको नैरोबी की। डाउनटाउन एरिया जो सिटी सेंटर का एरिया कहलाता है, यहाँ पर ये एरियाज ऐसे ही होते हैं, बहुत ही भीड़ भाड़ वाले और बहुत ही बिजी। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं वेदर वगैरह भी बहुत ही क्लाउडी और अच्छा है। हैव टू बी केयरफुल क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक होता है। कल शाम में मैं आया था तो बहुत ही फंस गया था ट्रैफिक में, 1 घंटा लगा मुझे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का एरिया कवर करने के लिए। सेम आप रिलेट कर सकते हैं इस एरिया को अपने बॉम्बे या पाकिस्तान के किसी एरिया से। So, I'm here in now Jamia Mosque with the main person of here, Mr. Ahmed, and he is taking us inside to take a tour of mosque. Thank you, Mr. Ahmed, for your time. Anytime. 1925 से बिल्ड की गई थी और ये कंप्लीट हुई है 1933 में और जो इसके मेन बनाने वाले फाउंडेशन हैं मिस्टर मौलाना सैयद, जिसको अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था मेरे म्यूज़ियम के टूर में भी उनका नाम था, उनकी फ़ोटो थी यहाँ पर, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और ये मॉस्क में ये दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क इन नैरोबी केनिया और इसमें 10,000 लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। कोविड की वजह से फ़िलहाल यहाँ पर अभी नमाज़ पढ़ने में पाबंदी है और ऊपर लेडीज़ सेक्शन सेपरेटली है, लेडीज़ भी आकर यहाँ पर नमाज़ पढ़ती है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुरानी मस्जिद है। आई हाईली रिकमेंड कि जब भी आप आएँ मिस्टर अहमद से ज़रूर मिलें और मॉस्क विज़िट करें। यार कोई कंट्री जाए और वहाँ का नेशनल म्यूज़ियम नहीं देखें ये तो अपने ट्रैवलिंग के ख़िलाफ़ है। तो ये है पीछे केन्या का नैरोबी नेशनल म्यूज़ियम, तो चलते हैं इसके अंदर और एक्सप्लोर करते हैं म्यूज़ियम को। एंट्री टिकट फॉर द म्यूजियम इज 1200 केनियन शिलान। ये तो पता नहीं इसको देख के ही घिन आ रही है यार, अल्लाह की मखलूक है बोलना नहीं चाहिए इसे, लेकिन बहुत ही बेहुदा लग रहा है। पता नहीं क्या नाम है इसके, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस, व्हिच वन, दिस वन, ये मसाई लोग का ट्रेडिशन आज भी है। आज भी इनके ट्राइब काफ़ी सारे एरियाज में रहते हैं केनिया में, जैसे कि मैंने मसाई मारा वाले ट्रिप में एक अलग से इनका वीडियो बनाया है और वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है, उनसे मिलके भी मैं आया था तो वो सारी चीज़ें मैंने इस पर डिस्क्राइब की है। ये है मिस्टर अली भाई मुल्ला। अली भाई मुल्ला आए थे पाकिस्तान से और आए थे ये 1856 में और 1890 तक केन्या में रहे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की क्योंकि जो मोम्बासा और जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर बहुत सारे इंडियन और एशियन लोग पूरे आए थे और अभी तक सेटल हैं
और वो एरिया एक्चुअली थोड़ा सा मुस्लिम डोमिनेटेड भी है, वहीं पर काफ़ी सारा मुस्लिम पॉपुलेशन है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने इंडियन ओशन से होते हुए मुंबासा में आए और वहीं पर रहकर सेटल हो गए और उनको नेशनलिटी भी मिली है एक्चुअली बाय द वे केन्या। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 85% यहाँ पर क्रिश्चियनिटी है बिकॉज दैट ब्रिटिश वर रूलिंग दिस कंट्री फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एंड उसके बाद में जो 15% है उसमें मुस्लिम्स और हिंदू और बुद्धिज़्म वगैरह सब आता है। आपको म्यूज़ियम आना है तो आई विल ऑनेस्टली रिकमेंड कि सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई गई हैं। अगर आपके पास में टाइम है तो आएँ और यहाँ पर आके एक म्यूज़ियम तो बनता है यार कोई भी कंट्री में आने के बाद में, तो एटलीस्ट वी विल अंडरस्टैंड द कल्चर एंड द हिस्ट्री ऑफ दैट कंट्री। तो इट्स ओके, फाइन, वर्थ है मेरे हिसाब से आना अगर आपके पास में टाइम है तो। हाँ भैया, तो ये है लास्ट पॉइंट नैरोबी का और मैं हूँ अभी जिराफ सेंटर में। जिराफ सेंटर में जिराफ ऐसा कोई दूर नहीं होते, यहीं पर है, देख लीजिए देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही क्लोज इंटरेक्शन जिराफ के साथ में। और ये जो मेरे हाथ में है ये है उनका खाना जो मैं अभी खिलाऊंगा इंशाल्लाह उन लोगों को। और बहुत एक अजीब सी फीलिंग है यार, मतलब पता नहीं कैसे बयान करूँ मैं अपने वर्ड्स में, लेकिन इतने क्लोजली इनको देखना और खाना अपने हाथ से खिलाना, इट्स लाइक समथिंग अमेजिंग। Need to give a giraffe smile. You can also feed that other one. Like main dominated boss of this entire tribe और ये actually अकेला ही male है, बाकी सारे females हैं पीछे आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो checks हैं वो dark color के हैं, that shows and having the five horns, पांच horn होते हैं इनके, दो आगे एक सामने और एक दो पीछे side में, और female के generally तीन horns होते हैं, दो front में और एक सामने। सेंटर आए तो थोड़ी जिराफ की मालूमात भी आपको बता देते हैं कि भैया एक जिराफ की जो उम्र होती है वो होती है ऑलमोस्ट 25 to 27 ईयर्स, लेकिन जो उनकी एवरेज लाइफ काउंट की जाती है वो है ऑलमोस्ट 10 ईयर्स विच इज़ वेरी वेरी लो। और इनका जो वेट है 1000 kg से प्लस होता है। पता था आपको ये? नहीं पता था ना, मुझे भी अभी पता चला। 1000 kg प्लस होता है और उनके पेट में 4 स्टमक होते हैं और उनका हार्ट बहुत ही बड़ा होता है विच इज़ अराउंड 0.6 to 0.8 मीटर लेंथ का उनका हार्ट होता है, ताकि वो ब्लड वेसल से जो उनके वेंस जाते हैं उसकी गर्दन से उसके हेड तक वहाँ तक ब्लड सप्लाई कर सके। तो ये ख़ास बात है। रोज़ाना उनकी खुराक, भैया कोई छोटी मोटी खुराक नहीं है, 35 किलो का खाना खाते हैं और उनका फेवरेट फूड है अकाशिया लीव्स, अकाशिया पेड़ के जो लीव्स होते हैं दैट इज़ लाइक देयर फेवरेट फूड। और उनका जो किक होता है वो एक मेल एडल्ट लायन को एक ही झटके में मार सकता है, मतलब लायन पूरा ख़त्म हो सकता है, चकनाचूर हो सकता है, तो उनके एक किक की वजह से। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन माय टूर, कैमरा नीचे। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन माय टूर इन केन्या और मेरा अभी इमिग्रेशन और सारा डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया। आपको ज़रूरी है एक चीज़ कि PCR का नेगेटिव टेस्ट यहाँ से कैरी करना है इन लास्ट 48 आवर्स में, और एक ट्रैवल कोड होगा वो आपको जनरेट करना है जब आप वो रिज़ल्ट आपका नेगेटिव एक गवर्नमेंट वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो उस पर आप अपलोड करते हैं तो आपको एक ट्रैवल कोड मिलता है, तो उसका दोनों का प्रिंट आउट निकाल के आपको यहाँ पर दिखाना होता है, तो आपका इमिग्रेशन क्लियर होता है और टिकट भी आपका स्टैम्प होता है। तो ये है प्रोसीजर यहाँ से आने के टाइम पे दुबई या UAE में, हर कंट्रीज़ का डिफरेंट होता है, तो आप प्लीज़ चेक कर लें गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कि क्या उस वक्त चल रहा है। तो ये ट्रिप जो भी मसाई मारा या केन्या का है मैंने पूरा टूर ऑपरेटर के थ्रू बुक किया है, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, आपका मील, आपका होटल, आपके लॉजेस, आपके कैंप्स, आपके डिफरेंट एरिया का रूट्स, वैन, एवरीथिंग इज़ बीन इंक्लूडेड। आपको एक दिरहम भी पे नहीं करना है। ऑपरेशन था पूरे टूर का और जो भी अरेंजमेंट था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ, सारे कैंप्स अच्छे थे, टूर अच्छा हुआ, सर्विसेज हर जगह की अच्छी थी, वो आपने मेरे दूसरे वीडियोस में देखा होगा।
तो आई रियली थैंक्स मिस्टर कैल्विन और नौमी, एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आपको भी जाना है तो ये टूर की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. वर्ल्ड सफारी लैंड नाम की कंपनी है जो मेरे को सिर्फ फेसबुक पे मिली थी. इसके ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं मिलेंगे आपको ट्रिप एडवाइज़र वगैरह पे, लेकिन अगर आप इनकी सर्विस देखें तो यार पर्सनली आई एम वेरी सेटिस्फाइड. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, बाकी आपकी मर्ज़ी है. और यही चीपेस्ट ऑप्शन था जितने भी मैंने टूर ऑपरेटर के साथ में डिस्कस किया या उनकी कोटेशन आए, प्रपोजल आए. और अगर आपको ये नैरोबी टूर भी इंक्लूड करना है आपके पैकेज में तो मसाई मारा के साथ में इसको भी आप आपके टूर में ही इंक्लूड करो, निगोशिएट करके आपके टूर ऑपरेटर से, तो ज़्यादा बेटर होगा. क्योंकि ये कंट्री दूसरी कंट्री की तरह इतनी बेटर नहीं है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कि आप ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं. और काफ़ी भीड़ होती है और थोड़ा सा पता नहीं यार मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना यूज़ करना यहाँ के लोगों और स्पेशली नैरोबी में रुकने के बाद में. बहुत ही ओवरक्राउडेड है और ऐसा लगता है कि हर बार एवरीवन इज वॉचिंग यू, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट. अराइवल के बाद यहाँ पे होता है कोविड टेस्ट जो एयरपोर्ट की तरफ से होता है, उसके लिए आपको कुछ पे करना की ज़रूरत नहीं और उसका रिजल्ट आ जाएगा 24 आवर्स में जब तक आपको रहना है क्वारंटाइन. यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, बाय द टाइम यू विल गेट योर नेगेटिव रिजल्ट.